करते हैं, छो आ जाएगी इनका, दह थप्पड़ कर दूं। पर गाइस आज फाइनली हम बर्फ में जाने के लिए पूरी तरह तैयार है, कोई माई का लाल हमें रोक ना सके बर्फ में जाने से, शिलोंग वैली जो भी है वहां जाने। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, पटियाला इज ऑल सेट। आज बर्फ में बर्फीला बालू बन जाएगा और हम भी बन जाएंगे पन्ना ब्रो, रेडी? कुछ और पहन ना, अच्छा ना अंदर ना, वो मतलब पजामे ना, पजामे ना है पजामे, चार मिनट में रख के सर तेरी ऐसे सी। आज मेरी सुबह आंख ना खुली तो इनने मैं ना उठाया और भाई लेट हो गए, 10 बज गया, मैं 8 बजे निकलना था। चलो कोई ना, चलो गाइस ये काम सही है, हमारे दोनों रूम एक ही उसमें है, मतलब एक लॉक लगा दो, एक ही चाबी रखनी पड़ती संभाल के, वरना दो दो चाबी संभाल के रखते रहो परेशान हो जाओ आदमी बेफालतू में। गाड़ी कहाँ खड़ी है हमारा, हमारी गाड़ी चली तो ना गई। हमारा प्लान, मेरा प्लान मतलब ये था कि मैं BMW लेके ही जाऊँ वहाँ पे, लेकिन यहाँ लोगों ने अब कुछ डर लगा लो या कुछ भी लगा लो, पर सीन क्या हो रहा है ना कि घर पे भी थोड़ा सा डर रहे हैं कि यार वहाँ बर्फ की वजह से गाड़ियाँ स्लाइड कर रही है, ये वो न्यूज़ पे भी आजकल यही दिखा रहे हैं। इस चक्कर में हमने इनकी बात थोड़ी सी मान ली कि जो 4x4 है यहाँ की लोकल टैक्सी में चलती है उनमें ही जा रहे हैं, नीचे खड़ी है, चलते हैं। चलो भाई चलें, कहाँ है वो जिप्सी? अभी आई ना? नहीं नहीं सुबह से आ रखी है। अच्छा कहाँ, इधर खड़ी पीछे? ठीक है ठीक है। मैंने नीचे ना कुछ भी ना पहन रखा, पजामी लोअर कुछ भी मेरे को, अरे थोड़ी जींस वैसी है फंकी टाइप की, घुटनों में थोड़ा हवा लग रही है कैडी, चीज तो सही लग रही है, पहुंचा देगी लग रहा है इसे देख के, पर ड्राइवर कहाँ है? अभी जस्ट मेरे को फोन आया पुलिस वाला, तो मैंने सेटिंग करके देखी, कर लो यार, नहीं होगा ना भैया, अब वो बोले एक गाड़ी भेज देंगे ना तो सारी गाड़ी भेजनी पड़ेगी हमारे को, यार करो आओ यार कुछ जुगाड़ भाई, या तो हम अहमदाबाद जाना पड़ेगा आपको, अहमदाबाद नहीं यार वहीं सोलंग वैली जाना यार। सुबह 8 बजे तक था टाइम जो भाइयों ने ले रखा था हमारे लिए, लेकिन हम नहीं उठ पाए, इस वजह से हम लेट हो गए। अब भाई SHO सर से बात कर रहे हो, यहाँ के जो SHO है उनसे बात कर रहे हैं, अगर कुछ हो जाए तो देखो फोन नहीं उठा रहे भाई, पहले अमिताभ बच्चन जी बोल रहे हैं कि कोरोना बचो, अरे एक मिनट तो इसमें खराब कर देंगे। SHO साहब बोल रहे हैं कि अगर एक गाड़ी हम जाने देंगे तो भाई फिर सब कहेंगे कि हमारी भी जान दो हमारी भी जान दो, इसलिए हम नहीं जा सकते शिलोंग वैली, हम जा रहे हैं हमटा पास है भाई, वहाँ बर्फ है, बर्फ नहीं है, बहुत बर्फ मिलेगी। अच्छा बहुत बर्फ मिलेगी, स्नो अभी पड़ रहा है, स्नो फॉल हो रहा है, तो चलो तो बर्फ तो है बहुत सारी, आओ तो आओ चलते हमटा पास चलते आओ। यार दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा, हमने फाइनल डिसाइड कर लिया अपनी गाड़ी लेकर जा रहे हैं, जहाँ तक जाया जाएगा ठीक है, ना जाया जाएगा गाड़ी खड़ी करके फिर आगे देखेंगे ना, ठीक है ना, या तो गाड़ी खड़ी करके वहाँ तक देख लेंगे। अरे आप तो वैसे भी जा सके यार, धूप बात सही है, मतलब हाँ वही तो पैदल चले जाएंगे, ये दिक्कत, पैदल चले जाएंगे सारा वो हो जाएगा ट्रैक हो जाएगा, जैकेट गाड़ी कमाए, गाड़ी भी अकड़ गई, गाड़ी तो अकड़ गई, वो कह रहा है कि लगा दो गाड़ी वापस, गाड़ी उसकी आ रही होगी शायद, पागल बना रहा है, मैंने तो ऐसा लगा भाई। अरे भाई जा रही होगी गाड़ी यार, मैं तेरे से पहले ही ना कह रहा कि अभी अपनी गाड़ी चली जाएगी, अपनी गाड़ी चल रही है अब देखी जाएगी। कल से जो हम पर्स ढूंढ रहे पूरी दुनिया जान में वो यहाँ मिला, देखो यहाँ ऐसे पड़ा था, पटेल दिखाइए ऐसे मूर्छित हालत में, तो भाई अब हम निकल लिए यहाँ से, अब हमने मेरा कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे, जो वो ब्रिज सा है उससे इधर जाता है वो शिलोंग वैली, इधर जाता है हमटा पास और पता ना कौन कौन सी घटिया घटिया जगह, हमारी कोशिश ये है कि हम जाए शिलोंग वैली, तो देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं, वहीं जाके पता चलेगा, पुलिस वालों ने अगर रोका तो अलग मैटर है, नहीं तो सीधा वहीं रुकेंगे तुम्हें बर्फ में ही दिखेंगे। अब BMW की समय बाहर निकलते हो, साढ़े सारी HR नंबर है, इतने HR के लोग आ रहे हैं यहाँ कि मतलब हम कब्जा भी कर सके, यहाँ हिमाचल है ना ये यहाँ पे। अरे भाई क्या जा रहे हो, हर जगह जाम लगा के रखोगे क्या? तो भाई लोग सीन ऐसा है, दिखाइए पटियाला का सीन, ये है वो रास्ता जहाँ से निकलते हैं शिलोंग वैली के लिए और सब चीज के लिए, और यहाँ का खुला पड़ा है, पुलिस वाले जान तो दे रहे हैं, अब ये ना पता कि हमारी गाड़ी यूपी तरह सी देख यूरी, अरे अब देखते हैं ना ये काम उड़ती है, सारी टैक्सी ना 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 शिलोंग वैली के लिए जान दे, पुलिस वाले खुद ही कह दिया कि जाओ, जय हो भाई, देखो सफेद पागल बना रहे थे क्या कहने था लीलू के, अब ये गाड़ी जहाँ तक जाएगी वहीं तक जाएगी बस, समझ रहा? हाँ अब पूरे जाएंगे, अब तो कहीं भी जा सकते हैं ना। देख रहे हो कितना ज्यादा जाम में खड़े हैं हम,
लेकिन ये जाम वर्थ इट होगा जब हम वहाँ पहुंच जाएंगे, तब आप कहोगे भाई वाह क्या जन्नत में लेकर आए हो हमें। फिर बनाएंगे स्लो मोशन, वो बनाएंगे वो इस वीडियो में, इस व्लॉग में स्लोमो वो डालेंगे दो चार क्लिप, ठीक है स्लोमो है हम बनाएंगे। अरे बता एडिट कर दूंगा मैं। बेटे कारीगर भाई हमारी गाड़ी पीछे खड़ी है जाम में, तो मैं सोच रहा हूँ उनके लिए पहले भेलपुरी बनवा दूँ। दो प्लेट बना दिया अंकल, एक मिनट पहले बना दूंगा बना दो। अबे पहले बोले भाई वहाँ खड़ी है इनकी गाड़ी पीछे बनी दूर जाम में, तू गाड़ी चलाएगा यो खाएगा हमें समझ ही ना आ रही तेरी, तो मेरे तुम्हारी समझ में ना आ रही। नू बताओ मैं जाम में खड़ा हूँ, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, ये देख बाहर देख कैसा अपने खाते डोल रहे, दिखा तो दे ठीक है। और हम पैदल डोल रहे हैं, बनाते डोल रहे हैं, वीडियो बना रहे कुछ चला रहे हैं। और मैं यहाँ देख जाम दिखा, हाँ हम जाम में खड़े हैं यहाँ, पीछे देख लो आगे देख लो सारा यो माहौल कर रखा है, कोई बात मतलब है बतला के छोड़ ले तू पहले। पटियाला जी आप कैमरे पर हैं, क्या सही दोस्त मिले हमको अपने, तीनों आगे घूम रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, इंस्टाग्राम पे फोटोज वोटोज डाल रहे हैं, स्टोरी डाल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, खाते पीते डोल रहे हैं बढ़िया। और मैं यहाँ देखो गाड़ी में अकेला सुनसान जनहित में जा रही, मतलब ये समझ लो क्या करूं, ट्रैफिक इतना ज्यादा लगा पड़ा है, दो ढाई घंटे से हम ट्रैफिक में हैं और शायद अभी एक डेढ़ घंटा या ज्यादा भी लग सकता है, कुछ नहीं कह सकते। फोन आ गया हमारी सोसाइटी में, जतिन गया होगा शायद अप्रूव कर दूं। तो भाई लोग मेन चैनल हाफ इंजीनियर पे नई वीडियो आ चुकी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रॉन्ग साइड आते हैं और बीच में ऐसे घुसाने की कोशिश करते हैं, ऐसे छो आ जाएगी, इनका दह थप्पड़ कर दूं, पर छोड़ मैंने क्या ही वो करनी। अच्छा हुआ हम अपनी गाड़ी लेकर आ गए, अगर हम 4x4 के चक्कर में रह जाते तो रह ही जाते शायद, आज भी नहीं आ पाते। हम दो दिन से सोलंग वैली यहाँ आने का वेट कर रहे थे कि बर्फ मिले, स्नोफॉल हो रही थी जब, तो आना यहाँ बंदी कर रखा था, यहाँ पूरा जो जितने भी रोड अभी जहाँ चल रहे हैं ये सब बर्फ से ढके पड़े थे बिल्कुल पूरी तरह से, जिसे कहते हैं यार ये ऐसे गलत है यार, ऐसे मतलब एक लेन जा रही है दूसरे में तुम वगैरह ऐसे जा रहे हो ना, गलत है बहुत गलत है, जाम इन्हीं की वजह से लगता है। फिर हम देखो हम भी तो सीधा खड़े हैं, ये दोनों आगे कुछ खाने का ले गए, हमारा एक दोस्त हमारा पार्टनर वो पता नहीं किस बात पे बुद्धि चटक गई उसकी, नाराज होगा किसी बात पे, अपना फोन छोड़ के यहीं चला गया आगे, उस गाड़ी पे तो ना कूद जाएगा। मम्मी की याद आ रही हो ना? अरे फिर तो ठीक है यार, मम्मी की याद तो मुझे भी आ रही है, पर यार घूमने आए हैं तो एंजॉय करो ना। हां भाई हम किसी को मम्मी को फोन भी ना करो, नुका बेटा घूम कोई दिक्कत ना, मम्मी को पता है कहां जाएगा, घर ही आना है ना, सुबह को बोला शाम को घर ही आवे। वो लोग एक बार फिर से चले गए हैं तीनों के तीनों, और यहाँ हर 10 मिनट में मेरे पास कोई ना कोई आके कह रहा केसर लोग है भैया, मैंने कहा नहीं शिलाजीत, मैंने कहा नहीं चाहिए, अरे बढ़िया वाला है शिलाजीत असली है, मैंने कहा चाहिए ही नहीं जब साढ़े क्या शिलाजीत, जाम में खड़े खड़े वैसी शिलाजीत होगा मैं तो यार। हमने यहाँ गाड़ी लगाई अभी भी आगे तक भी जाम है, यहाँ पटियाला कर रहा इसको आप पास, आप पटियाला कर रहा इसके साइड में ना नदी है बहुत खतरनाक, हम जब आए तो ये नदी ये देख लो सूखी नदी दिखा रहा है, अब ये पहाड़ों की बात है ये तो यहाँ है ही। 4 घंटे से जाम में खड़े हैं हम, अब जाके पहुंचे कहीं यहाँ ऊपर की साइड। हाँ भाई तो ठीक है, अभी तो और जाम है मेरे ख्याल में, अभी तो और लगेंगे 4 घंटे आज, चल कम से कम नू तो होगा हल्का सा ऊपर तो आ गए हैं। हाँ तो जुरा में बहुत गंदी बदबू आ रही है तेरी, ऐसे माँ कसम इन्हें पहन ले भाई, एक बार जूता पहन ले तेरी कसम। बड़ी मशक्कत के बाद हम ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहाँ स्नो है व्हाइट, मतलब और देख पटियाला वहाँ दिख रहा होगा पटियाला और संदीप, और पटियाला हाँ क्या हाल है साले, हम तो यहाँ गाड़ी में फंस गए यार, मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ, इसका दे साले थप्पड़, ओ रुक जा लग जाएगी पटियाला, वहां तक बदतमीजी कर रहे हैं, और वो तेरी ऐसी तैसी इसी पे लग जाता है अभी कैमरे पे ही। ओ भाई आ रहा हूँ मैं कहीं पार्क करके आ रहे हो गाड़ी, कहाँ फंस गया वे देखना भाई व्यू, ओए हम यो खान लग रहे थे इतने में क्या आई भाई हमारे पास। भाई लोग तीन दिन में हमारी पहली खुशखबरी सुन लो, जो ये सोलंग वैली का रास्ता था ये बंद था, हम सोच रहे थे कहीं यहीं गाड़ी लगा दे जहाँ पटियाला मस्ती कर रहे थे वहीं जा चला जाऊं मैं भी, लेकिन रास्ता खुल गया, अब आगे पता नहीं कैसा खुला कैसा नहीं, अभी तो मैं बहुत ऊपर जाना दे, मैं कह रहा हूँ एक मिनट रुको तो सही बात कर, आपकी गाड़ी जाएगी ऊपर पूरा ऊपर नहीं जाएंगे, मेरी बात सुनिए आप, मेरी DL यूपी HR की गाड़ी हम पता नहीं पे और हम गंद करते हैं और क्या तो ये क्या बात हुई, एक सेकंड
गलत बात है वैसे अंकल जी। अगर किसी 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 दो चार ने कूड़ा फैला दिया इसका मतलब ये नहीं है हर दिल्ली हरियाणा के ऐसे कहोगे कि ये लोग कूड़ा फैला रहे हैं, ये कोई बात थोड़ी होती है। अब ये कल चले जाना ऊपर, आपने कल देखना अपने ऊपर। तो गाड़ी मैंने यहाँ लगा दी है, पुलिस वाले आगे जाने नहीं दे रहे गाड़ी। पहले यहाँ का कह रहे थे रास्ता खुल गया है, और खुल भी गया है तो मतलब वो होता है ना कि जहाँ मतलब लोकल जो लोग हैं उनकी गाड़ी जाने दे रहे हैं, प्राइवेट नंबर भी। और जो दिल्ली हरियाणा, बताओ यार ये क्या मतलब हुआ कि भाई तुम दिल्ली हरियाणा वाले तुम यहाँ गंदगी फैलाते हो? अब कुछ फैलाते भी होंगे मान लिया, पर ये थोड़ी कि सिर्फ दिल्ली हरियाणा के ही फैलाते हैं, और जगह के भी फैलाते हैं। या तो किसी को मत जाने दो या फिर सबको जान दो। मेरे को बड़ा गुस्सा आया ऐसी चीज़ों पर। बहुत बदतमीज है पुलिस वाले, मतलब नहीं जनरली यहाँ के पुलिस वाले बहुत सही होते हैं। अब यहाँ तो इन्हें ऊपर से कुछ ऑर्डर आ रखे होंगे या फिर पता ना क्या सीन है, उसका मूड खराब होएगा बंदे का जो भी था। पर चलो छोड़ो यार, फन करने के उससे आए हैं तो फन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ख़त्म करते हैं। अब हम यहाँ से जितना भी आगे जा सकेंगे पैदल जाएंगे, उसके बाद पटेल याद रखियो गाड़ी कहाँ खड़ी है भाई। हैं बहुत टफ रहा है ये आज का दिन मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि मैं इतने दूर जाम में, मतलब हमने 100 मीटर गाड़ी, ये जो लास्ट का 100 मीटर था ये हमने 3 घंटे में कवर करा, और उसके बाद उसने कह दी चल 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 वापस चल। बहुत गुस्सा आया, बहुत दिमाग खराब हुआ, वो आप लोगों ने देख लिया। अगर वो पुलिस वाले अंकल मिलेगा तो उनसे एक बार जाके बात तो करूंगा। मैंने कहा अंकल ये बहुत गलत बात है, ऐसा जज नहीं करना चाहिए कि तुम दिल्ली वाले ये करते हो हरियाणा वाले ये करते हो, ये कोई बात थोड़ी होती है यार। पुलिस में हो तुम कोई बालक थोड़ी हो, खेल थोड़ी रहे हो, गेम थोड़ी चल रहा है। और इतने सारे सब्सक्राइबर है हमारे, उसके बाद 2-3 गाड़ियाँ ही लगातार हो गए, भाई क्या दिक्कत हो गई? मैंने कहा तुम क्या करोगे, पुलिस है भाई कोई वो थोड़ी है। और गलत है, ये करना भी नहीं चाहिए, वैसे बता रहा हूँ बस एक बात। अब बर्फ में हम जो भी मस्ती करेंगे वो आपको देखने को मिलेगी अगले एपिसोड में। हमने इतनी मेहनत करी है, तुम भी थोड़ा वेट करना तो बनता ही है। अगले ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।